हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल में सम फार्मूला का यूज बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। एक्सेल को ओपन कर दिया मैंने, सीट बनी है मेरे पास एक ये। तो इसमें क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू को जितने भी ए लिखी हुई है इधर 1 2 3 4, तो इसके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है मुझे प्लस चाहिए। सारे कितनी है इसकी वैल्यू, टोटल सम चाहिए हमको इसको। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ का फार्मूला बराबर लिखेंगे, सम इफ टैब में क्लिक करेंगे। अब क्या बोला, रेंज सेलेक्ट करिए, तो मैं रेंज पूरी सेलेक्ट कर दूंगा ये। ओके, ये रेंज होगी। अब क्या बोला है, कॉमा दीजिए, तो कॉमा दे दिया। अब बोला है कि क्राइटेरिया दीजिए, मैं क्राइटेरिया दूंगा। ओके, तो मैं क्राइटेरिया ये दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोला है, क्या कॉमा लगाइए। अब बोला सम रेंज, किस रेंज से आपको सम करना है, हमको इससे सम करना है। क्या करेंगे, इसको करेंगे और कॉमा लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे और इंटर कर देंगे 0। अगर मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ए इंटर कर दिया, 223 आ गया। अब यहीं अगर मैं क्या कर देता हूँ, बी, ये देखिए, और इंटर कर दिया, ये बी की दे दिया। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बी दिखाई दे, अभी ना दिखाई देता होता है। ये देखिए, मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, फिर से ये लिख दिया, 2 आ गई है। ओके, सी लिख देता हूँ इधर, सी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 130। डी लिख देता हूँ, अगर डी लिख दिया और एंटर कर दिया, 45 आ गई। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देखिए डी की 45 है, ओनली ए की डी है। मैं इधर फिर से ए कर देता हूँ, तो ये इतने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान गए हो सम इफ का फार्मूला किस लिए करते हैं, एंड इसका यूज भी जान गए फ्रेंड्स कैसे करते हैं। एक बार फिर से इसमें करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इधर बी लिख देता हूँ, जैसे इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। अब मैं इधर करता हूँ, क्या करेंगे, इधर बराबर लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे, टाइप क्लिक करेंगे। अब क्या बोला, रेंज, तो पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया बोल रहा है तो क्राइटेरिया क्या देना चाहते हो, ये देना चाहते हैं हम, कॉमा लगाएंगे। क्या बोल रहा है, सम रेंज सेलेक्ट कर, किससे रेंज, कौन सी रेंज से आप सम करना चाहते हैं, तो हम इससे करना चाहते हैं। इसको सिंपल से एंटर कर देंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यही। ओके, सी लिख देंगे, तो यहाँ सी की भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक बाय।